विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ठीक है। यूके ट्रिपल एससी का वीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं, विजयी भवा, है ना। माँ भारती आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे। तो जैसा कि हम लोग शॉर्ट में उत्तराखंड कर रहे थे, ठीक है, अगर मैं सिलेबस को देख पा रहा हूँ तो आपके 5वें नंबर पे जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष सिलेबस में दे रखा है, तो परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाषा बोली को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें इस लेक्चर से 1-2 नंबर भी मिलते हैं तो ये माना जाएगा कि सफल हुए, ठीक है। तो भाषा बोली क्योंकि कम पढ़ा जाता है, इसको कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से 1 या 2 नंबर मिल जाएं कल, ठीक है। तो भाषा बोली भाई, तो सबसे पहले राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्य में यानी हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी। आंसर 2009 में की गई थी, ठीक है। हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार, शोध, शोध बोलते हैं रिसर्च को, अनुवाद, साहित्य संग्रह, सरकारी गजटों का अनुवाद आदि कार्य इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। किन संस्थाओं द्वारा, जिनकी स्थापना 2009 में हुई, उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी। इतना समझ में आ गया, ठीक। 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे क्या जोड़ा गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम को जोड़ा गया। तो अब हम बोलते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। क्या बोलते हैं, पहले हम बोलते थे उत्तराखंड हिंदी अकादमी, जिसकी स्थापना 2009 में हुई, 2 साल बाद 2011 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम जोड़ा गया और अब बोला जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी, ठीक है। स्थापना फिर भी आपने 2009 बोलनी है, नाम बोलेगा कब चेंज हुआ, ये नाम कब लगाया गया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का, तो आपने बोलना है 2011 में। आपके लिए होमवर्क है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल कौन थे, क्या कार्य किए उन्होंने ऐसे कि इनका नाम लगाया गया, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बोली पे, बोली भाषा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो भाषा और बोली में अगर आप पूछेंगे क्या डिफरेंस होता है, तो भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी है तो हिंदी की अपनी एक लिपि है देवनागरी, क्या है, पंजाबी है, पंजाबी या गुरुमुखी जिसको बोलते हैं, तो पंजाबी की अपनी एक लिपि है गुरुमुखी, क्या है। तो जिसकी लिपि होती है उसे भाषा बोला जाता है, और जिसकी अपनी लिपि नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, बोली बोला जाता है। तो गढ़वाली और कुमाऊनी क्या है, बोली है, क्या है। वैसे इसे भाषा का दर्जा दिए जाने का क्या चल रहा है, मुहिम चल रही है काफी लंबे समय से, जो हमारे साहित्यकार हैं, हमारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको भी क्या किया जाए, भाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन क्योंकि इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, बोली, ठीक है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कितनी, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। अगर 5 उपभाषाओं को हम लेते हैं तो नंबर 1 पे लेते हैं पूर्वी हिंदी, दूसरी को बोलते हैं पश्चिमी हिंदी, तीसरे को बोलते हैं राजस्थानी हिंदी, चौथी को बोलते हैं बिहारी हिंदी, 5वीं को बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और ये जो 5 क्या है आपकी, जो 5 उपभाषाएं हैं, इन उपभाषाओं के क्या अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, 18 बोलियां आती हैं, 5 उपभाषाएं हैं, भाषा तो हिंदी हो गई, उसके अंदर 5 उपभाषाएं हो गई, इन 5 उपभाषाओं के अंदर कितनी, 18 बोलियां आती हैं, कितनी आती हैं। तो जैसे कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्रायः सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित प्रायः सभी बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, नंबर 1 पूर्वी,
पूर्वी पहाड़ी, नंबर दो मध्य पहाड़ी और नंबर तीन पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता, क्या बनाता कि उत्तराखंड लगभग संपूर्ण क्षेत्र किस उसमें आता, किस समूह में आता है, आंसर मध्य पहाड़ी समूह में आता है। तो मैंने आपको बता दिया पहाड़ी हिंदी के तीन वर्ग हैं, एक है पूर्वी पहाड़ी, नंबर दो है मध्य पहाड़ी और नंबर तीन है पश्चिमी पहाड़ी है। तो हमारी किस में आती है, मध्य पहाड़ी में। इतना समझ में आ गया, जिसके अंतर्गत मुख्यतः कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली मध्य पहाड़ी समूह में आती हैं। किसमें आती हैं? मध्य पहाड़ी समूह में आती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्मों के भी निर्माण हुए हैं, इन्हें भाषा का दर्जा प्राप्त है। इन बोलियों या भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। राज्य में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, ठीक है, के अलावा उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। भाषा और उनके बोलने वालों की संख्या को हम क्या कर रहे हैं, अब उसके हिसाब से डिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुमाऊनी बोली, कुमाऊनी बोली, कुमाऊनी भाषा, कुमाऊनी बोली, कुमाऊनी। तो राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा कुमाऊनी है। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमांत को छोड़कर शेष भूभाग की भाषा क्या है, कुमाऊनी है। इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों के दो दृष्टिकोण हैं। नंबर एक, कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है, दरद, ऐसे ही समझना है आपने उसको, दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है। दूसरे लोग बोलते हैं, दूसरे प्रकार के विद्वान बोलते हैं, दूसरी विचारधारा है कि हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का भी विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सूरसेन महाजनपद था एक मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, तो सौर सैनी वहीं से निकला है शब्द, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इतना समझ में आ गया। तो जो पहला मत है, जो ये बताते हैं कि कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है, उसके जो समर्थक हैं वो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर डीडी शर्मा हैं। कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर डीडी शर्मा, ठीक है। जबकि जो ये कहते हैं कि हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का भी विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो वो इस मत के समर्थक कौन है, डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल हैं, उदय नारायण तिवाड़ी जी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे हैं, कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पंडित बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है, डॉक्टर नहीं, बद्रीदत्त पांडे जी। इतना समझ में आ गया। तो बद्रीदत्त पांडे जी क्या मानते हैं, तो बद्रीदत्त पांडे जी मानते हैं कि कुमाऊनी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर मुझे प्रश्न बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहाँ से प्रश्न बनाता, समझ में आया, ठीक है। तो डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊनी भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, आसान है। और एक क्वेश्चन और बनाता मैं, क्योंकि देखिए और नामों से आप परिचित नहीं है ज्यादा, और बहुत कठिन भी नहीं बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ये देखा जाता है कि आपने क्या ध्यान दिया, खास लोगों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। मैं पूछता डॉक्टर ग्रियर्सन का मत क्या है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन का मत है कि कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है। या मैं से पूछता कि डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी का विकास निम्नलिखित में से किन किन से हुआ है, तो एक दरद, नंबर दो खस, नंबर तीन पैसाची, नंबर चार प्राकृत की जगह में, मतलब क्या करता, प्राकृत देता और फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देता, एक सही, दो सही, तीन सही, उपयुक्त सभी सही। हालांकि ये परंपरा अभी नहीं आई है उत्तराखंड में ग्रुप सी में, ठीक है, पर आएगी आने वाले समय में। चलिए आगे, ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली और रूप रचना की दृष्टि से कुमाऊनी सौर सैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कुमाऊनी किसके निकट है सर्वाधिक, आंसर सौर सैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका मूल आधार क्या है, संस्कृत है, जिसका मूल आधार क्या है, संस्कृत। इसमें तत्सम व विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। तत्सम तद्भव पढ़ते हैं आप हिंदी में, ठीक है, तो तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है, अतः कुमाऊनी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से मानना ही यथेष्ट होगा। क्या होगा, सौर सैनी अपभ्रंश से मानना ही
सही होगा या यथेष्ट होगा। ठीक है जी, आज के कुमाऊनी में तद्भव, तत्सम और स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अगल बगल की आर्य तथा आर्यतर भाषाओं के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि वे कुमाऊनी से भिन्न नहीं लगते हैं। यह खड़ी बोली हिंदी से सर्वाधिक प्रभावित है। फिर दोबारे, कुमाऊनी सर्वाधिक किससे प्रभावित है? आंसर, हिंदी खड़ी बोली से। हिंदी खड़ी बोली से, ठीक है। तो कई विद्वान क्या कहते हैं इसको, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी कहते हैं। ठीक है जी, हिंदी से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भी कुमाऊनी की अपनी खास विशेषता है। खास विशेषताएं शब्द संपदा, साहित्य और अभिव्यक्ति विधान है। वर्तमान में कुमाऊनी भाषा में पर्याप्त साहित्य सृजन हो रहा है। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी ने उच्चारण, ध्वनि, तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर उसकी 12 प्रमुख उपबोलियां निर्धारित की हैं। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट शुरू होता है। क्या होता है? अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो आपने बोलना है कुमाऊनी के 4 वर्ग याद करने हैं आपने। क्या करने हैं? मैं 4 वर्ग पहले बता देता हूं, कुमाऊनी के 4 वर्ग कौन कौन से हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि 12 प्रमुख बोलियां कौन कौन सी उनके अंदर। ठीक है, तो कुमाऊनी के 4 वर्ग हैं। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, कौन सी? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। दूसरा है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तीसरा है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। और चौथा है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। इतना समझ में आ गया? अब क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा? बोलेगा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोलियां आती हैं या कौन सी बोली नहीं आती है। तो जो आती हैं उनको याद करो आप। ठीक है, तो मेरे साथ याद करने की कोशिश करना। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कुमैया आती है सबसे पहले। नंबर 1 पे क्या आती है? 4 पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 4 बोलियां पढ़ेंगे। नंबर 1 कुमैया, नंबर 2 सौरियाली, नंबर 3 सिराली और नंबर 4 अस्कोटी। नंबर 4 अस्कोटी। ठीक है, अब कुमैया कहाँ बोली जाती है? नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में कुमैया बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कुमैया बोली जाती है। नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? आंसर, कुमैया बोली जाती है, जो कि पूर्वी कुमाऊनी वर्ग का एक बोली है। इतना समझ में आ गया। सौरियाली कहां पर बोली जाती है? सौर क्षेत्र में। सौर क्षेत्र सुना है आपने, सौर घाटी सुनी है। ठीक है, तो सौर क्षेत्र में बोली जाती है। सौरियाली कहां बोली जाती है? सौर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा इसे दक्षिणी जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र के कुछ लोग भी बोलते हैं। अब सौर घाटी कहां है, प्रश्न ये है आपके लिए। प्रश्न है, सौर घाटी कहां है? सौर घाटी पिथौरागढ़। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। सिराली, सौरियाली के बाद कौन है? सिराली। अस्कोट के पश्चिम में सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। दरअसल क्षेत्रों के हिसाब से इनके इन बोलियों के नाम पड़े हैं। सिराली कहां बोली जाती है? अस्कोट। अस्कोट तो पता है आपको, कहां है अस्कोट? अस्कोट, हाँ। तो एक यात्रा भी बताई थी मैंने, अस्कोट से अराकोट तक। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ पड़ता है। कहां पड़ता है अस्कोट? कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। अराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अस्कोट से अराकोट तक की यात्रा होती है। कौन कराते हैं? पहाड़ नामक संस्था कराती है। पहाड़ नामक संस्था में कौन कराते हैं? शेखर पाठक कराते हैं। कौन कराते हैं? डॉक्टर शेखर पाठक कराते हैं, है ना। और कितने समय के अंतराल में होती है? अरे दिन नहीं पूछ रहा हूँ, 45 दिन तो होती है। कितने साल बाद होती है? अब होने वाली है ना, पिछली तो हो गई, अब जल्द ही होने वाली है। तो आपने बताना कि अस्कोट अराकोट यात्रा कब होगी। गांव को पहचानने का, उत्तराखंड को नजदीक से जानने का सबसे अच्छा जो जरिया है वो क्या है? अस्कोट अराकोट यात्रा। क्या है? अस्कोट अराकोट यात्रा। जरूर जाएं अगर समय मिले तो। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, 10 साल बाद होती है। बिल्कुल, कब होनी है ये? 2000, तो बस हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। तो 2024 में महीना भी देख लीजिए भाई, कब होनी है ना। और खासकर
आप लोगों का वेट बढ़ गया है तो ये यात्रा जरूर किया करें, ज्वाइन करें। 45 दिन तक आपने पैदल यात्रा करनी है, ठीक है? और डॉक्टर शेखर पाठक के सानिध्य में आपको क्या मिलेगा। चलिए जी, तो अस्कोटी हो, अब अगली है सिराली हो गई, अब है अस्कोटी। अस्कोट कहाँ पड़ता है फिर दोबारा बता दो, पिथौरागढ़ में, ठीक है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ, कस्तूरा, कस्तूरा मतलब मृग जो होता है ना, अस्कोटी। यह अस्कोट क्षेत्र की बोली है, इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। किस पर दिखाई देता है? इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आ गया भाई, कौन कौन सी? कुमैया, सौर्याली, सिराली और अस्कोटी। अब क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन जब बनाऊंगा, जब टेस्ट पेपर बनाता हूं मैं, तो मैं ऐसे ही करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, मैं बोलूंगा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन नहीं आता है, कुमैया, सौर्याली, सिराली और खस पराजिया दे दूंगा मैं उसमें, एक ऑप्शन क्या दे दूंगा। तो खस पराजिया इसमें नहीं, पूर्वी में नहीं आती है, खस पराजिया आती है पश्चिम में, ठीक है? तो अब मैं, हम उसी पे जा रहे हैं, अब पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में जा रहे हैं। हम किसमें जा रहे हैं? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में जा रहे हैं। तो जैसे खस पराजिया पहले नंबर पे क्या है, खस पराजिया है। दूसरा है पछाई, दूसरा क्या है? पछाई। तीसरा है फालदा कोटी, क्या है? फालदा कोटी। ये बोलियां हैं, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और जब आप प्रशासनिक सेवाओं में होंगे तो आप अनुभव भी करेंगे कि अलग अलग जगह पर यार टोन भी अलग हो रही, शब्द भी थोड़े बहुत क्या हो रहे, अलग हो रहे, है ना? तो फालदा कोटी, फिर चौगरखिया, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में चौथे नंबर पे क्या है? चौगरखिया। पांचवें नंबर पे गंगोई, पांचवें नंबर पे क्या है? गंगोई। और छठे नंबर पे दनपुरिया, दनपुरिया। तो सबसे बड़ा जो, सबसे ज्यादा जो बोलियां हैं वो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में बोली जाती हैं, लगभग कितनी? 6। खसपराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया। अब इसको ना बच्चे पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते हैं? थोड़ा टफ लगता है। कि क्या लगता है? टफ लगता है। वैसे भी उत्तराखंड की परंपरा है, जब उनसे पूछो कि भाई गढ़वाली बोलनी आती है या कुमाऊनी बोलनी आती है, तो क्या बोलते हैं? कि नहीं जी, बोलनी नहीं आती है, बींग लेते हैं, है ना? कुछ लोग बोलते हैं चिट्या लेते हैं, कि हम यही बोलते हैं मजाक है ये। तो कृपया ऐसा ना करें, अपनी भाषा बोली को ना छोड़ें, ठीक है? खस पराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया। बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी अपनी बोली भाषा बोलने में। समझ में आया? आपने, मैंने कहा नहीं, जब आप प्रशासनिक सेवाओं में होंगे, अगर आप क्या स्थानीय बोली में बात करेंगे तो आप लोगों के ज्यादा नजदीक होंगे, लोगों से दूर नहीं होना है आपने। आपने सेवाएं देनी है भाई, क्या देनी है? सेवाएं देनी है। आपको पता है एक बहुत अच्छे डीएम रहे हैं रुद्रप्रयाग में, कौन? मंगलेश घिल्डियाल जी। तो वो जो स्थानीय जो बूढ़ी महिलाएं होती थी या बूढ़े लोग होते थे, तो उनसे किस भाषा में बात करते थे, किस बोली में? इसी बोली में बात करते थे, तो लोग उनके नजदीक आए। क्या है? और सबसे मेरे ख्याल से अभी तक जो पॉपुलर हुए हैं, और भी हैं लेकिन पॉपुलर जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? सीधे पीएमओ से उनको क्या आया है? प्रधानमंत्री कार्यालय। बहुत बड़ी चीज होती है भाई, एक आईएएस को क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलाया जाना, है ना? चलिए, तो खस पराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया, ठीक? अब खस पराजिया कहां बोली जाती है? यह बारामंडल, बारामंडल और दानपुर के आसपास बोली जाती है। अब देखिए क्या होता है कि आप खाली बारामंडल देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में, तो बारामंडल ढूंढना है आपने, कौन सा क्षेत्र है कुमाऊं में, तो पश्चिमी कुमाऊं साइड में आएगा। तो बारामंडल देखिए, दानपुर क्षेत्र देखिए कहां पर पड़ता है। तो बारामंडल और दानपुर क्षेत्र के आसपास खस पराजिया बोली जाती है। क्या बोली जाती है? खस पराजिया बोली जाती है। इतना समझ में आ गया। पछाई कहाँ बोली जाती है? यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में गढ़वाल सीमा तक बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में गढ़वाल की सीमा तक बोली जाती है। समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद पछाई हो गया, उसके बाद फालदा कोटी। फालदा कोटी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल के फलदा कोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों तथा पाली पछाओ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। पाली पछाओ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो नैनीताल के फलदाकोट क्षेत्र में, अल्मोड़ा के कुछ भागों में और पाली पछाओ के कुछ क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? फालदाकोटी, ठीक है?
बारामंडल ढूंढा आपने, कहां पड़ता है? मैप में देखिए, अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करें, इंटरनेट पर यूज करें इंटरनेट का, ठीक है? रील देखने के लिए नहीं है ये, जीवन अपना रील में मत बिताओ, ज्ञान प्राप्त करने में बिताओ। दिव्यास्त्रों का गलत प्रयोग पहले से ही मना किया गया कि गलत प्रयोग ना करें, ठीक है? चौगरखिया कहां बोली जाती है? यह चौगरखा परगना में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? चौगरखा परगना में बोली जाती है, ठीक है? चौगरखा परगना में बोली जाती है, चौगरखा परगना में बोली जाती है, इतना हो गया। गंगोई कहां बोली जाती है? यह गंगोली और दानापुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। गंगोई कहां बोली जाती है? गंगोली तथा दानापुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। धनपुरिया कहां बोली जाती है? यह दानापुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? दानापुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। तो भाई सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बोलियां किस कुमाऊनी वर्ग में आती हैं? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती हैं। एक क्वेश्चन में ये बनाता टेस्ट में, दूसरा फिर वही बनाता मैं कि पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में कौन नहीं आती है। एक में ऑप्शन देता खसपराजिया, एक में देता पछाई, एक में देता फालदा कोटी और एक में देता अस्कोटी। अब आंसर क्या होता? अस्कोटी, क्योंकि अस्कोटी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आती है। याद हो गया? एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आती कुमैया, सौर्याली, सीराली, अस्कोटी। क्या? कुमैया, सौर्याली, सीराली, अस्कोटी। कुमैया, सौर्याली, सीराली, अस्कोटी। कब तक याद करना है? कब तक करना है? जब तक वो शिक्षा आपके कंठ में नहीं आ जाती। क्या नहीं आ जाती? कंठ में नहीं आ जाती। उसके बाद पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन आता है? खस पराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दानपुरिया। क्या बोलना है? एक सांस में बोलना है, 108 बार जप करना है। कितनी बार? हाँ, पूर्वजों ने कहा था जप करो। क्या करो? जप करो और तप करो। तप करो मतलब मस्तिष्क का जो कपाल जब तक गर्म नहीं हुआ तब तक क्या करना है आपने? तप करना है। और जप करना है मतलब, देखो रटने शब्द से तो आप लोग नफरत करते हो, तो रटना नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा जप करो। क्या करो? जप करो और तप करो और सरकारी नौकरी पा जाओ, ठीक है? खस पराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आ रही है, ठीक है? अब अगला आता है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। कौन सा आता है? उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में एक ही बोली आती है, जोहारी। जोहार क्षेत्र है, जोहारी। कौन सी आती है? यह जोहार व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस क्षेत्र के भोटिया भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो जोहार क्षेत्र कहां पड़ा आपका? जोहार क्षेत्र कहां पड़ा? पिथौरागढ़। इतना समझ में आ गया? भोटिया लोगों को बोला जाता है ना भाई? अलग अलग जगह पे भोटिया जो जनजाति है उनको अलग अलग नामों से बोलते हैं हम। जैसे जाड़ कहां बोलते हैं? जाड़ भोटिया कहां होते हैं? अब देखो उत्तरकाशी, जाड़ कहां बोलते हैं? उत्तरकाशी में बोलते हैं, है ना? भोटिया हम लोग यहां इधर बोलते हैं, चमोली में बोलते हैं। कहीं पर मारछा बोला जाता है, कहीं पर तोलछा बोला जाता है ना? तो आपने ये भी ध्यान देना है कि जनजातियों को कहां पर क्या बोला जाता है, ठीक है? ये वो जनजाति है जिसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आईएएस निकले हैं एक समय में। क्या निकले हैं? जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो क्या एक समय में भोटिया जनजाति से निकले हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इन लोगों ने हाथ खींचे हैं। क्या खींचे हैं? अगर एक व्यक्ति आईएएस बना है तो दूसरे व्यक्ति, मतलब तीन चार व्यक्तियों को और सपोर्ट किया उन लोगों ने। क्या किया? और तब तक किया जब तक कि वो भी नहीं बन गए। तो यानी एकता है। क्या है? इस जनजाति में एकता है। और ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ठीक है? मेहनत की, पढ़ाई की, है ना? जो आपके प्रशासनिक अकादमी है रघुनंदन सिंह तौलिया जी स्वर्गीय, तो वो भी क्या थे? भोटिया जनजाति के थे, है ना? नैनीताल में प्रशासनिक अकादमी का नाम क्या है? स्वर्गीय रघुनंदन सिंह तौलिया प्रशासनिक अकादमी, ठीक है? चलिए जी, तो जोहारी। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछता कि उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में एकमात्र बोली आती है वो कौन सी है? जोहारी है। कौन सी है?
जोहारी, और ये कहाँ बोली जाती है, जोहार और कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इतना समझ में आ गया। अब दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में भी सिर्फ एक ही आती है भाई। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में कौन आती है, नैनीताली कुमाऊनी या रच भैंसी। यहां से मैं क्वेश्चन पूछता कि नैनीताली कुमाऊनी को अन्य किस भाषा, अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंसर रच भैंसी। किस नाम से जाना जाता है, रच भैंसी। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। तो नैनीताली कुमाऊनी या रच भैंसी, नैनीताल के रों और चौमैंसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ जगहों पर इसे नैन तलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैन तलिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुमाऊनी भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहां पर सब्जी वाला जो सौ है उसकी जगह पे शेर वाले सौ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सौ की जगह पे क्या प्रयोग किया जाता है, शेर वाले सौ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस बोली पर अवधि बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। कुमाऊनी जो बोली है, भाषा है, उस पर अवधि बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। तीसरा, बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान नौ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, जैसे लड़का है एक वचन, अब अगर बहुत सारे लड़के हैं तो लड़कन, क्या बोलते हैं, लड़कन, क्या बोला जाता है, ठीक है। हिंदी के अकारांत शब्द पिथौरागढ़ की ओर बोली जाने वाली कुमाऊनी में उकारांत हो जाते हैं, जैसे गया, तो क्या हो जाते हैं, गयो, गया की जगह क्या, गयो हो जाता है। पाया की जगह क्या हो जाता है, पायो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा क्या होगा, पर फिर भी हल्का फुल्का मैं बता देता हूं। राजस्थानी के प्रभाव के कारण परसर्ग ने, परसर्ग ने, ने मतलब ने के बारे में, परसर्ग जो ने है उसके स्थान पर ले या लो तथा से के स्थान पर थे का प्रयोग किया जाता है, थे का प्रयोग होता है। जैसे जैसे अदिति ने कहा, तो अदिति ने कहा को बोलेंगे अदिति लू कौ, अदिति लू कौ। जैसे चेला से पूछा तो च्वाला थे पूछो, च्वाला थे पूछो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे इसके क्रिया रूप में ओ आ और ई भूतकाल के लिए, ल वर्तमान के लिए और भविष्य काल के द्योतक है। क्या ओ अगर आ गया, आ अगर आ गया, ई अगर आ गया तो ये भूतकाल के लिए है, और ल अगर आ गया तो वर्तमान और भविष्य काल का द्योतक है। इतना समझ में आ गया। जो संख्यावाचक शब्दांत में आने वाले ह वर्ण का कुमाऊनी में लोप हो जाता है, जैसे बार, तेर, चौद, पंद्र, मतलब बारह तेरह की जगह क्या बोला जाता है, बार, तेर, चौद, पंद्र, सोल, ह का लोप हो जाता है। तो जब आप कुमाऊनी सुनेंगे तो उसमें क्या होगा, ये सब चीजें आपको कुछ विशेषताएं दिखेंगी, ठीक है। जो अंत्य होता है नौ का अण कर देते हैं, क्या करते हैं, नौ का अण कर देते हैं, जैसे वन है तो वर्ण, वन को क्या बोलेंगे, वर्ण, ठीक है। अपना है तो अपना, अपना की जगह अपना। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और जो ड ध्वनि है उसका क्या हो जाता है, अड हो जाता है, जैसे गढ़वाल तो गढ़वाल, गढ़वाल की जगह गढ़वाल, ठीक है। चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसे जून दौड़ी कहा जाता है। फिर मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, जून दौड़ी कुमाऊनी भाषा में किसे कहा जाता है, आंसर चंद्रमा को। क्या कहते हैं, जून दौड़ी चंद्रमा को कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब कुमाऊं क्षेत्र में अन्य बोलियां भी हैं भाई, मजकुमैया है, क्या है, मजकुमैया। कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो बोली भाषा है वो क्या है, मजकुमैया, ठीक है। कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप है, कुमाऊनी और गढ़वाली का। तो यहां से फिर मैं क्वेश्चन बनाता कि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपने बोलना मजकुमैया। क्या बोली जाती है, ऐसी गोरखाली बोली भी है। नेपाल से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, ठीक है, और अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखाओं द्वारा बोली जाती है, नेपाली बोली है ये, ठीक है। ऐसी भावरी बोली जाती है,
चंपावत के टनकपुर से उद्धम सिंह नगर के काशीपुर तक कौन सी बोली बोली जाती है? भावरी। कौन सी? तो चंपावत के टनकपुर से उद्धम सिंह नगर के काशीपुर तक कौन सी बोली बोली जाती है? भावरी। फिर यहां से क्वेश्चन बनाता मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका, काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोविशाण। क्या नाम था? पेट कटा शो है गोविशाण, ठीक है। चंपावत के टनकपुर से उद्धम सिंह नगर के काशीपुर तक भावरी बोली जाती है। फिर आगे शौका, तो पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र, क्योंकि शौका बहुल क्षेत्र है, भोटिया जो होते हैं शौका, है ना, तो वो क्या कौन सी बोली बोलते हैं? शौका बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? शौका बोली बोलते हैं। फिर है राजी, पिथौरागढ़ में राजी जनजाति भी है, ठीक है। पिथौरागढ़ में अस्कोट, धारचूला, डिडीहाट के आसपास जो वनरौत पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? राजी भी बोलते हैं, वो राजी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? और सबसे छोटा जो जनजातीय समूह है उत्तराखंड का, वो कौन है? राजी। कौन है? राजी। और ये किस प्रकार का व्यापार करते हैं? सामने नहीं आते हैं, इन्हें कोई चीज चाहिए होगी तो रात को, रात के अंधेरे में सड़क पर अपना बनाया हुआ कास्ट कला में बड़े निपुण होते हैं, कास्ट की कोई चीज रख देंगे उस पर, जैसे कोई चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए तो लगा के रख देंगे छोटा सा टुकड़ा, तो स्थानीय जो लाला जी लोग होते हैं वो जाते हैं, वो समझ जाते हैं इन्हें क्या चाहिए, या नमक चाहिए तो वहाँ पर रख देते हैं और वो चीज़ उठाकर आ जाते हैं उनकी जगह पर, उनकी जो काम की चीज़ होती है वो वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोक्साड़ी बोली जाती है भाई। क्या बोली जाती है? कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर जो बोक्सा लोग रहते हैं, बोक्सा जनजाति के लोग, वो कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोलते हैं? बोक्साड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। थारू लोग अपनी बोली बोलते हैं इसी क्षेत्र में। थारू क्या बोलते हैं? अपनी बोली बोलते हैं। थारू लोग बहुत ज़्यादा मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? ऐसा बताया जाता है, लिखा हुआ है किताबों में, ठीक है। अच्छा, पंजाबी, कुमाऊं के दक्षिणी भूभाग में सिख बहुल इलाका है। उधम सिंह नगर में अगर आप जाओगे तो सिख लोग दिखेंगे आपको, ठीक है। जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषी लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते हैं। इस पंजाबी बोली में क्या होता है? खड़ी बोली के क्रिया रूप साहित्य हिंदी के समान है, ठीक है। फिर बांग्ला लोग हैं, बांग्ला कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का भी निवास है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कुमाऊनी लोक साहित्य की बात करूं तो लोक साहित्य आपके सिलेबस में लोक कला, लोक संगीत, लोक शिल्प, लोक नृत्य, लोक गीत, भाषा बोली, रहन सहन, परंपरा, ये सब चीज़ें तो हैं, बट लोक साहित्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, गढ़वाली बोली पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो गढ़वाली बोली भाषा, ऐसी कुमाऊनी भाषा की भांति गढ़वाली की उत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। क्या है? अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं, जिसकी स्थापना का आधार मात्र यही है कि खस गढ़वाल के निवासी थे। क्या थे? खस जो थे वो गढ़वाल के निवासी थे, बड़े वीर थे, ठीक है, और बहुत ताकतवर लोग थे खस। इतना समझ में आया। जबकि अधिकांश विद्वान इसकी उत्पत्ति स्वर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। मैक्स मूलर, ये जर्मन के विद्वान थे, जर्मनी से आए थे, इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़े, उनका फिर जर्मन में ट्रांसलेशन किया। भारतीयों से इतने प्रभावित हुए, इन्होंने अपना नाम मोक्ष मूल रखा। क्या नाम रखा? मोक्ष मूल। मैक्स मूलर से क्या नाम था इनका? इन्होंने एक किताब लिखी, सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। और सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट क्या है? वेद। कौन है? वेद, जिन्हें अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? मतलब ईश्वरीय कृति माना गया है वेदों को, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, ऐसा लिखा जाता है, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, क्या है? ईश्वरीय कृति है वेद। तो ये बड़े प्रभावित हुए, ठीक है। तो इनकी किताब है साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने, मैक्स मूलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृत भाषा का ही एक रूप माना है। किसका? प्राकृत भाषा का ही एक रूप माना है। वैसे भी जब आप गढ़वाली बोलेंगे ना, सुनेंगे तो स, त, जो संस्कृत के और प्राकृत के काफी शब्द क्या होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं?
समझ में आया? ठीक। हरिराम धस्माना जी ने अपनी पुस्तक वेदमाला, वेदमाला किसके द्वारा लिखी गई? अंतरहरि हरिराम धस्माना, हरिराम धस्माना, इन्होंने किताब लिखी वेदमाला। इन्होंने इसमें लिखा है कि गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी है, जिसमें बताया गया है कि गढ़वाली के कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में ही होता है। किस रूप में होता है? वैदिक रूप में ही होता है। ठीक है, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 भागों में बांटा है। किसमें? कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, भाषा विज्ञानी है, 8 भागों में बांटा है गढ़वाली को। नंबर 1 श्रीनगरी, श्रीनगर, श्रीनगरी। नंबर 2 नागपुरिया, नंबर 2 नागपुरिया। नंबर 3 दसौलिया, नंबर 3। नंबर 4 बधाणी, बधाण क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पड़ता है बधाण क्षेत्र? कर्णप्रयाग से आगे वाला जो नंदा राजजात वाला जो एरिया है पूरा, है ना, बधाण क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ बधाणी। राठ क्षेत्र जो पड़ता है, राठी, राठ क्षेत्र में क्या, राठी। अंग्रेजों के समय में राठ क्षेत्र के जो युवा थे उनका फिजिकल नहीं लिया जाता था। अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं राठ क्षेत्र का हूँ, तो ये माना जाता था कि सेना के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? राठी है। कौन है? यानी क्या फिजिकल लेना उनका, जो बचपन से क्या कर रहे हैं, पहाड़ों में ऊपर नीचे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, जिनका भूगोल बहुत कठिन है, तो उनका फिजिकल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? जिन्हें नमक लेने के लिए भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नीचे आना पड़े पैदल, है ना, जिन्हें पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़े क्योंकि भूगोल कठिन था, तो ऐसा क्या फिजिकल लेना? फिजिकल तो उनका लेंगे जो स्कूटियों में चल रहे हैं माचिस लेने के लिए भी, है ना। घर वालों ने कहा कि बेटा एक माचिस ले आओ और बुलेट में क्या स्टार्ट की और क्या, हाँ, पिताजी के पैसों की बुलेट पर एक माचिस लेके आ रहे हैं, उनका फिजिकल लेने की आवश्यकता। ठीक है, तो राठी, तो थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूँ कभी कभी, तो सुन लिया करो। ठीक है, शिक्षक ऐसा ही होता है। मज कुमैया, क्या अगली क्या है? मज कुमैया। अगला है सलाणी, अगला क्या है? सलाणी। अब भाई सलाणी शब्द, अब आप फिर बोल रहे हो, मैं बता देता हूँ। दरअसल क्या है कि सलाणी शब्द आया कहाँ से? सहलानी। कौन भाई? यात्रा रूट था, क्या था? चट्टियां थी। आज भी ऋषिकेश से आप लक्ष्मण झूला पार करो तो उसके बाद जो पुराना रूट है उसको बोलते हैं, जो यात्रा का चार धाम यात्रा, मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का जो रूट था वो वाला था, है ना, जो चट्टियां पड़ती हैं आपकी, गरुड़ चट्टी पड़ती है, गरुड़ देवता का मंदिर है, है ना। काल सर्प योग अगर हो जाए तो फिर कहाँ पूजा जाता है? गरुड़ चट्टी में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान गरुड़ के हैं वो, सर्पों का क्या करते हैं, हाँ, जब लक्ष्मण जी को और भगवान राम को क्या किया गया था, नाग पास में बांधा गया था, तब गरुड़ देव को बुलाया गया था। रामायण तो देखी होगी। तो गरुड़ चट्टी है, फूल चट्टी है, है ब्यास चट्टी है, चट्टियां हैं। तो वहां पर क्या होता था, यात्रियों के भोजन ठहरने की व्यवस्था की जाती थी स्थानीय लोगों के द्वारा। धीरे धीरे जैसे आज हो रहा है ना, उत्तराखंड में नहीं मांग रहे लोग भू कानून, क्योंकि सब उत्तराखंड बसना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब पैसों के बड़े बड़े थैले लेके आ रहे हैं, और क्या कर दिया उन्होंने? ठीक है, आना मना नहीं है, लेकिन क्या है कि ऐसे में तो क्या हो जाएगा फिर, जो स्थानीय आदमी है कुछ समय बाद आपको कहाँ दिखेगा, है? तो भू कानून की मांग इसीलिए चल रही है। भू कानून की मांग क्यों चल रही है, समझ में आ गया? अब क्या है कि वो लोग आए, वो बस गए, बस गए तो सहलानी, क्या है? सहलानी। अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे भी तो राजस्थानी नाम मिलेंगे आपको। पट्टियां जो हैं वो किस तरह की मिलेंगी? पट्टियों के नाम सुने हैं? कोई पट्टी का नाम बताओ मुझे, है? नहीं। जैसे जैसलमेर, कुछ ऐसा उदयपुर पट्टियां हैं वहां पर, है? उदयपुर पट्टी के हैं आप, अच्छा। तो कैसे नाम पड़ा उदयपुर के? इसका मतलब राजस्थानी हो आप, आपका मूल कहाँ है? राजस्थान में है। आप यहां पर आके क्या हो गए? बस गए। तो सहलानी क्या है? ठीक है, अच्छा। एक आदमी पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसका किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, वो उसको ज्यादा जानकारी नहीं होगी दीन दुनिया की। एक व्यक्ति यात्रा रूट पर बैठा है, वो हजार तरह के लोगों से क्या है, परिचित है। अलग अलग तरह के लोग आ रहे, कोई बार्गेनिंग कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई चोरी कर रहा, होता है ना ऐसा,
कोई नशा कर रहा, उस जमाने में भी रहे होंगे बिगड़े हुए लोग, तो थोड़ा सा आदमी समझदार हो जाता है और वो थोड़ा तेज हो जाता है, क्या उसे दीन दुनिया का पता चल जाता है, इतना समझ में आ गया। तो यानी अगर आप संपर्क में आते हो लोगों के तो आप क्या होते हैं, क्या होते हो, थोड़ा सा आपके जो बुद्धि है वो विकसित हो जाती है। और अगर आप एकांतवास हो, ऊपर पहाड़ में रह रहे हो, तो क्या होगा, सीधे साधे, मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है, ठीक है। और आप क्या करोगे, बहुत सहायता करोगे, मतलब क्योंकि कई साल कई महीनों बाद कोई व्यक्ति दिखेगा, वो जा रहा होगा, तो आप जानबूझ के उससे पूछो, मतलब पूछोगे खुद कि भाई कहाँ जाना है, खुद बताओगे आप उसको रास्ते, है ना, ये सारी चीज़ें। और एक व्यक्ति क्या है कि यात्रा रूट पे है, 1 लाख लोग जा रहे हैं माना उसके सामने से, तो यार वो तो क्योंकि सब उससे पूछेंगे, भाई साहब ये मंदिर का रास्ता कहाँ से है, भाई साहब ये मंदिर का रास्ता कहाँ से, तो वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो बताना ही छोड़ देगा, क्या कर देगा वो, मतलब मैं कुछ ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए पढ़ाई पे आते हैं भाई, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा, सलाणी, इतना समझ में आ गया, जो नदी पार का क्षेत्र है सलाण क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर टिहरियाली, फिर कौन सा, टिहरियाली, ये कौन सा क्षेत्र हुआ, टिहरी वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है। राजशाही है ना, शुरू के राजाओं ने क्या शिक्षा की व्यवस्था की नहीं, जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं की तो क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। और जो पौड़ी, जो क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल, वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत स्कूल खोल दिए, वो लोग शिक्षित हो गए, टिहरी के लोग शिक्षित नहीं हो पाए। बाद में जब शिक्षित हुए, और क्यों नहीं कर रहे थे शिक्षित, राजशाही के विरुद्ध क्या ना हो, विद्रोह ना हो, और जब पढ़ाया तो राजशाही के विरुद्ध विद्रोह हो गए, समझ में आया, ठीक है। अवलोकन करना सीखो, एनालिसिस करना सीखो सूक्ष्म दृष्टि से, ठीक है। अब साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना है, क्या माना है। अब भाई मैंने बता दिया आपको, 8 बोलियां जो हैं श्रीनगरी, नागपुरिया, नागपुरिया जो है वो किस तरफ बोली जाती है आपकी, नागनाथ पोखरी वाली जो साइड है, वो पूरा रूट जो है उस पर क्या बोला जाता है, नागपुरिया, क्या बोला जाता है। फिर दसौलिया, फिर बधाणी, बधाण क्षेत्र में मैंने बता दिया आपको बधाणी, राठी क्षेत्र में, राठ क्षेत्र में राठी, है ना, मजकुमैया और सलाणी और टिहरियाली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इससे मैं ये कहानियां बीच में इसलिए बता रहा था कि इंटरेस्ट जगह आपका, ठीक है। अब भाई गढ़वाली की मुख्य विशेषताएं, गढ़वाली भाषा में देश के कुछ अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, जिनका मूल कारण क्या है, देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों का यहां आना है, ठीक है। तीर्थयात्री आए तो क्या हो गया कि मिल गए वो शब्द, जैसे मैं कई बार मैं सुनता हूँ कि जैसे नहीं बोलते हैं गढ़वाली में, बोलते हैं कि फुंगी लग गई, क्या लग गई, फुंगी सुनते हैं, समझते हैं आप, दरअसल फंजाई, फंजाई इंग्लिश में जो वर्ड है वो क्या है उसका नाम, फंजाई। अब जिसने पढ़ा उसे सही पढ़ा, लेकिन क्या कि उसका एक उच्चारण फुंगी भी होता है, तो ठीक है गढ़वाली में आ गया कि फुंगी लग गई, क्या लग गई, है ना। चलिए तो फंजाई बोलते हैं ना, जब साइंस पढ़ते हैं आप क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अगला, इसमें हिंदी के मूल स्वरों के अलावा अन्य कई स्वरों का भी अस्तित्व है, इसकी अधिकांश रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है, ण के स्थान पर अण का प्रयोग बहुलता से किया जाता है, ण के स्थान पर अण, ये कुमैया में भी सुनी थी आपने, गढ़वाली में भी सुन रहे हैं। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, लिंग निर्धारण प्राय पद निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, शब्द से जुड़े हुए प्रत्ययों के अनुसार ही स्त्रीलिंग व पुरलिंग वाक्य की रचना होती है ना। अच्छा, सभी मूल स्वरों में, ये अभी समझ में नहीं आएगा जब, क्योंकि जब पीसीएस मेंस में जो 2 पेपर हो जाएंगे ना, वहां पर ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। अगर उत्तराखंड के 2 पेपर हो जाते हैं, और अगर भाषा सिलेबस में दिया होगा, बोली भाषा सिलेबस में होगा, तो मान के चलना कि ये पूरी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। चलो, तो लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, लिंग निर्धारण प्राय पद निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, शब्द से जुड़े हुए प्रत्ययों के अनुसार ही स्त्रीलिंग व पुरलिंग वाक्य की रचना होती है। सभी मूल स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं, जैसे अध्यारो, बिजणो, लौण, दुंगी, मैडा, नौण, चौल, औला, मैन, है ना, ठीक है, आदि। ऐसी बलात्मक स्वराघात का अधिकता है, कभी कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने के लिए स्वराघात होता है, जैसे मिठो, अत्यधिक मीठा, ठंडो,
अत्यधिक ठंडा, ठंडो रे ठंडो मेरी पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो, है ना। ठीक है जी, ऐसे ही लाल, लाल जब बोलते हैं लाल मतलब जोर देकर बोलते हैं, तो इसका मतलब अत्यंत लाल, है ना। ठीक है जी, संख्यावाचक विशेषणों में स्वागत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है, जैसे 11 तो 11 11, है ना, 12 तो 12 12 12 नहीं बोलेंगे 12, हाँ, किथामा पढ़नू 12मा पढ़नू, क्या बोलेंगे 12मा पढ़नू, 12मा पढ़नू नहीं बोलेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे दो द्वि कतिछिन द्विछिन, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही 70 सौतर, क्या सौतर, क्या बोलेंगे। तो ये क्या होती है, बोलियां होती हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं शिमला, और जब हिमाचल में जाओगे तो शिमला, शिमला क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे भाई, शिमला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हाँ, सीखनी पड़ेंगी आने वाले समय। ठीक है, मैं आपको IFS नहीं, अगर IFS बनोगे तो भी तो भाषा सीखनी पड़ती है भाई। आपको जर्मनी जाना है, आपको फ्रांस जाना है, तो फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, ये सब सीखनी पड़ती है, है ना, जर्मन। तो गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां हैं खड़ी हिंदी, जौनसारी, भोटिया, है ना। अब भाई खड़ी हिंदी है जैसे, तो गढ़वाल की, गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून आदि नगरों में खड़ी हिंदी का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली की बोली है, बोली जाती है, हरियाणवी खड़ी बोली बोली जाती है। जौनसारी, है ना, गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों तथा देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में क्या, जौनसारी बोली जाती है। ठीक है, तो जौनसारी फिर अलग है। कासांडो, कोकेजायरे, क्या बोला जाता है, कोकेजायरे, है ना। तो मैं तो उस क्षेत्र में रहा हूँ इसलिए मैं परिचित हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी भूल गया, बचपन मेरा वहीं कटा। चलो, भोटिया, अब क्योंकि जन्म ही भोटियों के बीच में हुआ है मेरा, तो मैं बता देता हूँ कि दो प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, एक तो गढ़वाली जो होती है, और एक अपनी भी भाषा बोलते हैं जिस पर कि तिब्बती भाषा का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, तो यह बोली चमोली, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़, कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है। तो जनजातियों के बड़े नजदीक रहा हूं, भोटिया जनजाति, जौनसार, है ना। तो क्या होता है, कई चीजें किताबों से नहीं सीखता है व्यक्ति, किससे सीखता है, हाँ, जब आप उनके बीच में रहते हो तब सीखते हो। ठीक है, तो लगभग लगभग, अब इसके बाद जो अगला बताऊंगा मैं, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है।